अगर आपको लगता है कि हेयर स्टाइलिंग सिर्फ पार्लर में होती है, ब्यूटी पार्लर में ही हेयर स्टाइलिंग होती है, तो ये आपको गलत लगता है, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग घर पर भी हो सकती है। सेल्फ हेयर स्टाइलिंग कैसे करते हैं, 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आइए मेरे साथ। हाय, मैं हूँ बिलाल, आपका पर्सनल हेयर स्टाइलिश। आइए मैं आपको बताता हूँ कि 2 मिनट के अंदर सेल्फ हेयर स्टाइलिंग कैसे होती है, बहुत बढ़िया वाली। आइए मेरे साथ शुरू कर दीजिए। 2 मिनट से पहले ही आपको एक बढ़िया हेयर स्टाइलिंग देने वाला हूँ मैं। ये देखिए, ये स्टाइलिंग हो गई है, ऑलमोस्ट आधी ये स्टाइलिंग हो रही है आपकी, अच्छी वाली ये हो गया है। और इसके अंदर 2 से 3 पिन लगा देंगे, 2 या 3 पिन में ये काफ़ी काम हो जाएगा हमारा। और आप देखिए कितने अच्छे से वो स्टाइलिंग हो जाएगी। तो आप इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं बड़े इजी वे में। ये हो गया आपका बन, ये बन होने के बाद में 2 और 3 पिन लगा दीजिए थोड़ा टाइटनेस के लिए, थोड़ा टाइट हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन। इसके साथ साथ में आपको साइड्स को क्लोज करना है थोड़ा सा जिगजैग पार्टिंग करके। ये इसको अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग भी नहीं है तो इसको आप टाई करके पीछे की तरफ रख सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है तो हल्का और फैंसी करने के लिए ना, इसको थोड़ा आप कर्ल्स कर दीजिए, कर्ल्स करके और थोड़े लुक्स बढ़िया आ जाएंगे आपके। तो ये सॉफ्ट कर्ल्स कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा बालों में। ये देखिए, ये जो फ्लिक्स है, फ्लिक्स को हल्का सा आयनिंग कर देंगे ताकि फ्लिक्स आगे की तरफ आ जाए। अगर आगे नहीं रखना है तो आप पीछे की तरफ उसको रख के साइड में डाल सकते हैं। ये हो गया इनका फ्रंट लुक। इसके अलावा हमें आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा डेकोरेशन की चीज़ें, लाइक एक फ्लावर लगा देंगे। अगर कुछ ज़्यादा ड्रेसेस पहना हुआ है ये एक फ्लावर लगा देंगे सेट करने के लिए, ये भी पसंद नहीं आता है तो कुछ और दूसरा फ्लावर लगा देंगे। ये पिंक ड्रेस पहना है तो एक पिंक ड्रेस सा एक फ्लावर लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए, इसके साथ साथ कुछ पिंस रहते हैं हमारे पास में, कुछ जुड़े को सेटल करने के लिए कुछ पिंस लगा देंगे, पिंस लगा देंगे। ये पिंस लग गए डिफरेंट काइंड ऑफ कलर में, तो डिफरेंट कलर की पिंस लगा देंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर चाहें तो क्राउन लगा सकते हैं। ये हमारा क्राउन लग गया है और ये हमारा स्टाइलिंग तैयार हो गया। थोड़ा सा और रिफ्रेश करने के लिए अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा स्प्रे लगा के इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग है, क्विक स्टाइलिंग विद इन 2 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए घर के अंदर हेयर स्टाइलिंग कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और स्टाइलिंग कीजिए घर में। अब आपको एक नई चीज़ और दिखाता हूँ इसके। आप थोड़ा बता सकते हो बालों को इस तरह का कुछ लुक, तो बोर हो क्योंकि बोरिंग हो रही हो। हाँ, मैं तो बहुत ही, मैं अभी अपने बालों से एकदम परेशान हो गया हूँ, बहुत ही डल और बहुत ही मतलब लुक से भी बहुत इसका बहुत लाइफलेस हो गए हैं। आई जस्ट विश नाउ यू डू द मैजिक, दैट इज वेरी इफेक्टिव। वेलकम आर स्टूडियो। तो आइए शुरू करते हैं बढ़िया सा एक शैम्पूज के साथ में मैम का ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैम के ग्रे कवरेज के बारे में सोचते हैं। ब्राउन 4 नंबर से मैं मैम के ग्रे कवरेज करने वाला हूँ, एज यूजुअल जैसे करते हैं हम लोग। पहले ग्रे कवरेज के साथ प्रॉपर कलर लगा देंगे मैम के बालों में। हाईलाइट करना है मैम का डिसाइड हुआ है, हाईलाइट भी करना है 3D इफेक्ट में हल्का हल्का, जो बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आए। तो मेरा प्लान है 7.3 डार्केस्ट ब्लॉन्ड के साथ गोल्डन रिफ्लेक्ट में हल्की हल्की स्ट्रीक्स दिखे मैम को। फिर ये सब बांध दिया गया है, उसके बाद में थोड़ा टाइम चेक कर लेते हैं। टाइम चेक हो जाएगा 30 मिनट to 45 मिनट के आसपास, बीच बीच में चेक करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो जाए, बहुत डल नहीं रह जाए बाल। तो ये चेकिंग आपको लाइवली करते रहना पड़ेगा बीच बीच में, कितना ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, क्योंकि हम स्ट्रीक्स को कलर को थोड़ा बीच में भी रोक सकते हैं, ब्राइटर कर सकते हैं। देन शैम्पू कर रहे हैं बढ़िया सा, एक कंडीशनर नहीं लगाना है क्योंकि मुझे बीच में, मेरा ऐसा प्लान है कि मैं थोड़ा सा एक केराटिन वॉश कर दूं मैम को। एक केराटिन वॉश रहता है, केराटिन एंटी फ्रीज एक केमिकल रहता है, वो लगाना पड़ता है केराटिन।
उसके साथ साथ मैंने थोड़ा कैरेटिन कर दिया है मैम को, कैरेटिन वॉश होता है ये, वॉश के साथ साथ में इसका फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। ब्रांड का नाम मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा आपको, कोई भी आप कर सकते हैं। साथ साथ में हमने अपने शुरू किया है कॉम्बिनेशन हेयर कट, ये लेयर और स्टेप्स का मिश्रण रहता है, मिक्सिंग रहता है, साथ साथ में वो करने वाले हैं क्योंकि इसमें थोड़े से लेयर्स भी हैं और थ्री स्टेप्स के साथ साथ ये हेयर कट हो रहा है। कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं, मैम का कुछ रिक्वायरमेंट था, कुछ मैंने मैम को सजेस्ट किया, उसके बाद में जो रिएक्शन आता है वो इस तरह का है। पूरा वो लुक चेंज हो गया। थैंक यू सो मच मैम, ब्लश टीम की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।